उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून पर हंगामा तो थम नहीं रहा और किसी भी सूरत में थम नहीं रहा। इसके बावजूद नहीं थम रहा कि सबसे बड़े वजीर घूम घूम कर चेतावनी दे रहे हैं कि अंदर कर दूंगा, वसूली करवाऊंगा, कड़ाई से निपटूंगा वगैरह वगैरह। जिन लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर आगजनी की, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, इसकी भरपाई भी उन्हीं लोगों से हम लोग करेंगे और इसी कार्रवाई को आज उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। और अगर देश के विरुद्ध नारेबाजी किसी ने की तो फिर देशद्रोही धाराओं में बंद करने की कार्रवाई भी उनके खिलाफ करने की तैयारी सरकार ने तय किया है। जब योगी जी कानपुर में अपनी कठोरता की घोषणा कर रहे थे तो दिल्ली के शाहीन बाग में भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद ऐलान कर रहे थे कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, 5000 शाहीन बाग बनवा दूंगा और यूपी ठहरा उनका अपना राज्य। लोकतंत्र में आपका पीसफुल वोटर्स आशीर्वाद करेगा, इसे जिंदा रखेगा, बाकी जीतेंगे तो भाई इंशाल्लाह जीत तो हमारी होगी। आंदोलन को जारी रखिएगा और हम ये प्रयास करेंगे कि हर बार जामिया साइंस बार हो जाए, हम प्रयास करेंगे कि आप सबको और मजबूत बनाएंगे। याद रखिएगा आप अकेले नहीं। सोचिए केवल लखनऊ के घंटा घर में शाहीन बाग बना है, प्रयागराज में शाहीन बाग बना है, बनारस में शाहीन बाग बना है तो योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लज्जाजनक आचरण का ढिंढोरा पीट रहे हैं, मुकदमों की लाइन लगाए हुए हैं। अगर 150 शाहीन बाग यूपी में आबाद हो गए तो क्या होगा? बस यूं समझिए कि नागरिकता कानून पर मुकदमों का प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ 50 से 60 FIR महिलाओं पर हुए हैं, 150 से ज्यादा FIR पुरुषों पर, इटावा 150 से 200 FIR महिलाओं पर, 600 से 700 FIR पुरुषों पर, प्रयागराज 250 से 300 FIR, वाराणसी 87 FIR छात्रों पर, लखनऊ 18 FIR महिलाओं पर, 127 FIR पुरुषों पर, सहारनपुर में 100 से ज्यादा FIR, मुजफ्फरनगर में 73 FIR, बुलंदशहर मेरठ बदायूं रामपुर में 150 से ज्यादा FIR। कुर्की हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, जमानत जिरह हिरासत हो रही है, लेकिन आवाजें मध्यम नहीं पड़ रही। ये लोग जबरदस्ती हम लोग को गाड़ी में बैठा करके ले जा रही, क्यों ले जाया जा रहा है? हम लोग तो यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं ना, सिर्फ यहाँ पे हम लोग शांति बनाए रखे हुए हैं ना कि यहाँ हम लोग झगड़ा करने आए हैं। यहाँ पर CAA के खिलाफ, NCR के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ पर हम सब लोग जमा हुए हैं इसी प्रोटेस्ट के लिए, और जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता हम यहाँ पर इसी तरह से जमा रहेंगे। हम चाहते हैं ये कानून वापस हो, अगर जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम यहीं पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बीजेपी की मुश्किल ये है कि वो गैर बीजेपी शासित राज्यों में CAA के विरोध को कानून व्यवस्था की समस्या बताकर निकल जाती है, लेकिन अपने ही राज्यों में क्या करें? यूपी है, असम है, त्रिपुरा है, बिहार है, हरियाणा है, हर जगह से नागरिकता कानून के खिलाफ आवाजें उठी। चंडीगढ़ में नौजवानों ने नागरिकता कानून के खिलाफ बाइक रैली निकाली तो जमशेदपुर में सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर मोदी और शाह पर फूट डालो राज करो का इल्जाम लगाया। तुम पुलिस बनो, आजादी, तुम डंडे मारो, आजादी, शाहीन वाली, आजादी, शाहीन वाली, आजादी, अंबेडकर वाली, आजादी, भगत सिंह की, आजादी, अशफाक वाली। अब फिर से आइए शाहीन बाग। जितनी तादाद में लोगों को जुटाने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां करोड़ों खर्च करती हैं, उतने लोग शाहीन बाग रोज रात को अपने खर्चे पर जुट रहे हैं। नागरिकता कानून के विरोध की अनदेखी का असर ये हुआ है कि द इकोनॉमिस्ट के डेमोक्रेसी सर्वे में 13 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है भारत का लोकतांत्रिक सूचकांक। 2006 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में थी तो भारत को नंबर मिले थे 7.68। 2014 में जब मोदी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तो डेमोक्रेसी इंडेक्स उच्चतम स्तर पर था, 7.92। और 2019 में जब बीजेपी दूसरी बार सत्ता में लौटी तो ये 7 से भी नीचे चला गया, 6.9।
एक ही साल में 10 पायदान नीचे गिर गया है भारत का लोकतांत्रिक सूचकांक।